मेरा विलेज देसी किचन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर आगे एक रेसिपी लेके और रेसिपी को देखते रहिएगा। तो दोस्तों आज जो हम आपको रेसिपी बनाकर दिखाने वाले हैं, तो गरई मछली का और सोली मछली का रेसिपी दिखाएंगे, वो भी बिहारी स्टाइल में। अरे जो रेसिपी बनता है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को भैया सुबह सुबह में जाके देखिए बहुत सारा मछली लेकर आए हैं। तो इसी मछली का ना दोस्तों आपको हम रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए आप लोगों को भैया सुबह सुबह में जाके देखिए सोली मछली लेकर आए और कुछ गरई भी है। तो आपको ना हम इसी मछली का रेसिपी बनाकर दिखाएंगे बिहारी स्टाइल में। और आप लोगों को भैया ना ये जो मछली है ना जिंदा जिंदा बहुत ही आप लोगों को भैया को पसंद होता है, तो इसीलिए मछली लेकर आते हैं। तो आज का जो ये रेसिपी हम आपको दिखाएंगे, साबुत मसाला डाल के ये रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा मछली बनता है। तो देखिए इस जगह पर मछली तो बहुत ही है, लेकिन इतना सारा मछली नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो कतला है ना इसको हटा देंगे और इसी मछली का जो है ना आपको रेसिपी आपको हम बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मछली को ना पीस कर लेते हैं काट कर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब जो मछली हम काटेंगे ना थोड़ा हाथ जो है स्लिप करते हैं। तो देखिए इसी जगह पर ना हमने देखिए थोड़ा सा राख ले लिए, तो हाथ पर ना राख लगा लगा कर ये मछली को हमने काटेंगे। संगीता को देखिए दोस्तों, मछली सब को देखिए कैसे घाट रहे। संगीता छोड़ दे बाबू। तो देखिए मछली के अंदर में ना देखिए ये सब पीत होता है, तो इसको ना पहले हटा दीजिएगा। अगर इसका अंदर में फूट जाएगा ना तो मछली खाने में बहुत ही बेकार लगेगा, देखिए बहुत कड़वापन हो जाते हैं। तो इसको हमने हटा दिए। तो इसी तरह ना दोस्तों सारा मछली को जो है काट कर और धोकर किचन घर पर मिल गए। मछली धोकर देखिए किचन घर पर आ गई है। अब इस पर ना दोस्तों नमक हल्दी जो जो देना है आप डालना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए हमने इसमें जो हल्दी पाउडर होता है ना इसको डाल देंगे। एक चम्मच देखिए हमने नमक भी डाल रहे, थोड़ी सी देखिए मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी देखिए हमने सरसों का तेल हाथ पर ले लेते हैं। तो इसी पर देखिए छीट कर ना हमने मिला देंगे, तो बहुत ही अच्छा से मिला लेंगे इसको। इसको हमने अच्छा से मिला लिए और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और चूल्हा भी जला लेंगे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के लिए मछली को ढक के रख दिए। तो उससे पहले ना दोस्तों कुछ हमको मसाला भी पीसना है। तो यहाँ पर देखिए हमने साबुत मसाला ले लिए। आज का जो रेसिपी हम आपको दिखाएंगे तो बताया था जो साबुत मसाला देकर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ साबुत धनिया ले लिए, कुछ देखिए यहाँ पर काला सरसों ले लिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमने पीला सरसों ले लिए, थोड़ी सी जीरा भी ले लिए और कुछ देखिए यहाँ पर हमने काला मरीच ले लिए, थोड़ी सी अदरक भी ले लिए। और बिहारी स्टाइल पर जब मछली बनते हैं ना दोस्तों तो उसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। हमने यहाँ पर दो देखिए लहसुन ले लिए और एक प्याज ले लिए। तो सबको ना हमने पीस लेंगे। अगर आपका पास सिलौटा होगा तो सिलौटा पर भी पीस सकते, अगर मिक्सी होगा तो मिक्सी पर भी पीस सकते। तो दोस्तों हम ना ये सबको पीस लेते।
मसाला हमने पीस लिए और इधर चूल्हा जला कर ना कढ़ाई भी देखिए रख दिए चूल्हा पर, और कढ़ाई गर्म भी हो गई है तो इसमें ना सरसों का तेल डाल रहे, और ये जो रेसिपी हम बना रहे सरसों का तेल से बना रहे, आप भी सरसों के तेल से बनाइएगा। तेल गरम हो गई है, अब मछली सबको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर तेल पर ना कुछ मछली डाल दिए, आप लोग भी धीरे धीरे डालिएगा नहीं तो आपका हाथ पर ना तेल का छींटा पड़ सकते। हमने देखिए कुछ उलट पुलट कर देखिए इस तरह का कुछ फ्राई कर लिए हमने, ये देखिए अब हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमने कुछ उलट पुलट करके ना इसी तरह सारा मछली जो है फ्राई कर लेंगे। तो सारा मछली देखिए हमने फ्राई कर लिए, और मछली को जो तेल देखिए यहाँ पर बचा है ना कढ़ाई पर, तो मछली तो ताज़ा था तो तेल देखिए ज़्यादा जला नहीं, तो इसी तेल पर ना हमने देखिए थोड़ा सा सरसों जो है साबुत डाल देंगे। बिहारी हिसाब में देखिए आपको रेसिपी दिखा रहे तो पहले तेल पर ना सरसों डाला जाता है, तो देखिए हमने सरसों डाल रहे, सरसों चुरचुरा गए, तो देखिए हमने पिसा हुआ मसाला डाल देंगे इसी में। एक चम्मच देखिए हमने तीखा मिर्ची के पाउडर डाल रहे, और दोस्तों आप जैसे तीखा खाना पसंद करते हैं ना उसी हिसाब से तीखा डालिएगा, तो हमने डाल रहे थोड़ी सी देखिए हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हमने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे, और ये मिर्ची पाउडर हमने डाला है ना ये कलर के लिए डाले, अगर आपका पास में होगा तो डाल सकते, अगर नहीं भी डालिएगा तो फिर भी चलेगा, हम थोड़ा डाल दिए कलर के लिए। स्वाद के अनुसार नमक, आप जैसे नमक पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। इस प्लेट पर ना थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो देखिए हमने इसमें थोड़ा पानी डालकर इसी तरफ देखिए इसमें डाल दिए। अब इस मसाला को ना हमको कुछ टाइम लेके भूनना है। अगर आपको टमाटर पसंद है तो इस मसाला पर ना आप टमाटर भी डाल सकते हैं, तो हमने नहीं डाला, हमने बिना टमाटर के बनाएंगे। बिना टमाटर को भी बनाने से रेसिपी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी होता है। तो देखिए हमने कुछ टाइम लेके मसाला को भून लिए, बहुत अच्छा से मसाला भून गए, देख ही सकते हैं मसाला का कलर। तो मसाला देखिए मेरा भुना गए, बहुत ही अच्छा से भून गए, देखते हैं मसाला के ऊपर में तेल आ गए। तो चलिए दोस्तों मसाला मेरा रेडी हो गया, अब इसमें ना पानी भी डाल देंगे। तो देखिए हमने इस मग का एक मग जो है ना पानी डाल देंगे। कुछ हरा धनिया काट के रखा है तो हरा धनिया को भी दे देंगे। ये खोल रहे आज जो सारा मछली है ना सबको डाल देंगे धीरे धीरे करके। तो हमने ये मछली को ना 3 से 4 मिनट तक तेज आंच करके खौला लेंगे। तेज आंच पर 4 मिनट खौला लिए, अब इसको उतार लेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा बिहारी स्टाइल में मछली का रेसिपी बन के रेडी हो गई है। और दोस्तों हम जो ये रेसिपी आपको बनाकर दिखाए ना साबुत मसाला देकर, तो इसी तरह ना साबुत मसाला पीस कर आपका घर में भी इसी तरह
कई तरीका का मछली लेकर रेसिपी बनाइएगा, इतना मज़ेदार खाने में लगता है ये रेसिपी जो आपको क्या बताएंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना इतने भर रहेगा, लेकिन मेरा बेटी और मेरा बेटा खाकर नहीं देखा पाएगा। हम लोगों को इधर ना बहुत तेज बारिश आने वाला है, बहुत सारा मेघ लगा दिए। तो दोस्तों मेरा ये रेसिपी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह कुछ नए नए रेसिपी का वीडियो भेजते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है ना इतने भर रहेगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और भी मिलेंगे नए नए वीडियो के साथ। अरे कमेंट भी करना ना भूलिएगा।